हे गाइस, मैं प्रशांत सिंह, आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और कुछ दिन पहले मैंने आपको शायलॉक रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग और उसका जो है सेटअप का वीडियो दिया था, तो आज मैं आपको इसका रिव्यू वीडियो देने जा रहा हूँ। दरअसल ये वीडियो जो है वो उस अनबॉक्सिंग वीडियो के कुछ हफ्ते बाद ही रिकॉर्ड किया गया था, जो कि करीब 4 महीने पहले हुआ था, और कुछ वजहों से मैं उसे एडिट नहीं कर पाया था। तो आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, इन्जॉय कीजिए। ओके गाइस, तो अब मैं इस लाइट को टेस्ट करने जा रहा हूँ, इस रिंग लाइट को। तो पहले मैं इसे इस लेंस के साथ टेस्ट करूँ, जो कि 18 मिलीमीटर वाइड लेंस है। इस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, F4 एपर्चर है, और अभी मैंने ISO 800 सेट कर रखा है क्योंकि मैं भी सिंगल लाइट यूज कर रहा हूँ। हालांकि 50 वाट की लाइट है, लेकिन F4 एपर्चर पे लाइट और जो कैमरे के पीछे रखी हुई करीब 2 फीट दूर कैमरा है, उससे 2 फीट दूर लाइट है, तो 800 एपर्चर ही सही है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी। और 1/50th है शटर स्पीड और 25 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं उस लाइट को ऑफ करूँगा और इस लाइट को इससे देखता हूँ कितना ब्राइटनेस ये लाइट देती है। इसके अलावा मैं अलग अलग लेंसेज के साथ टेस्ट करूँगा। ये भी 18 मिलीमीटर का लेंस है, जो कि काफ़ी वाइड है, और इसके अलावा मेरे पास 50 मिलीमीटर का लेंस है जिसका एपर्चर F1.8 है, तो उसके साथ यूज करूँगा मैं। और उसके बाद मैं स्मार्टफोन के साथ आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसा परफॉर्मेंस का स्मार्टफोन के साथ रहता है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट। इसे मैंने ऑफ कैमरा 5 वाट 10 वाट दोनों चार्जर्स के साथ यूज किया, तो 5 वाट के साथ ये कम लाइट देता है, यानी कि उससे ज़्यादा पावर लेता है, और 10 वाट के साथ, और उसके बाद मैंने 15 वाट और 18 वाट चार्जर्स के साथ भी यूज किया, तो उतनी ही लाइट दे रहा जितना 10 वाट पे दे रहा था लगभग। तो मेरे ख्याल से ये 10 से 12 वाट या हो सकता है 8 ही 9 वाट लाइट पावर खींचता है। हालांकि बॉक्स पे कुछ भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, बॉक्स बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो कोई स्पेसिफिकेशन इस तरह की उस पर नहीं है। इसे मैं अभी अपने पावर बैंक के साथ यूज करूंगा, जो Xiaomi का है, मेरा Mi का पावर बैंक, उसके साथ यूज करूंगा। तो ये उस पर भी फुल पावर देता है, जितनी ब्राइटनेस वो 10 वाट देता है, चूंकि वो चार्जर वो मतलब 18 वाट आउटपुट वो देता है पावर बैंक, तो उसी के साथ मैं यूज करूंगा। ओके, तो ये देख सकते हैं पावर बैंक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट जो है यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगी है, आप देख सकते हैं लाइट बुझ गई, और अभी मैंने इसे खोसा तो ये जल गई। तो ये ब्लू लाइट जल जाती है जब ये पावर पाने लगता है। इसका एक फ़ायदा इस इन रिंग लाइट्स का ये रहता है कि जैसे मैं ये जो बिग अम्ब्रेला लाइट है उसे मैं ज़्यादा पास नहीं रख सकता, क्योंकि ये फ्रेम में आ जाए, खासकर ये वाइड एंगल लेंस जो है 18 मिलीमीटर वगैरह उसके साथ, क्योंकि वो फ्रेम में आ जाएगी, तो इसे कैमरे पीछे रखना पड़ता है। लेकिन इस लाइट को आप इस तरह से रख सकते हैं कि ये आगे रहे और फ्रेम में भी ना रहे। इसे मैंने रख दिया, तो ये कैमरे के आगे है लाइट, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम के चारों तरफ, क्योंकि ये लेंस के चारों तरफ है। तो अभी मैं इस लाइट को ऑफ करता हूं और इस लाइट को ऑन करता हूं। तो वो लाइट बड़ी वाली ऑफ हो गई, अम्ब्रेला लाइट 50 वाट की थी, तो आप देख सकते हैं लगभग अंधेरा ही है। और अब इसे मैंने ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसे, एक मिनट मुझे कलर टेम्परेचर इसका चेंज करें। ये देख लीजिए वाइट है बिल्कुल कलर टेम्परेचर, 3 कलर टेम्परेचर्स हैं ये। ये सबसे कूल वाला है, सबसे यानी कि कूलेस्ट टेम्परेचर, और ये वार्मेस्ट है, येलोइस्ट देख सकते हैं आप, और ये काइंड ऑफ नेचुरल है लगभग। और ब्राइटनेस आप, ये फुल ब्राइटनेस है, और इसे थोड़ा कम करने पे देख सकते हैं, ये लोवेस्ट ब्राइटनेस है, कुछ भी लगभग नहीं दिख रहा है। और इसे मैं बढ़ाता हूँ, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, बस 10 लेवल है। हालांकि कहीं कहीं इसका मेंशन है 11 लेवल से, लेकिन जैसा आपने देखा 10 लेवल्स है इसमें। ओके, तो ये है ब्राइटनेस, आप देख सकते हैं इतनी दूर मैं खड़ा था जब बड़ी वाली लाइट आन थी, तो ये अनयूजबल है। और सेटिंग्स बिल्कुल कैमरा की वही हैं जो पहले थी, 800 ISO, 150 शटर स्पीड और F4 एपर्चर। और अभी मैं करीब आता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूजबल लाइट मिल रही है। तो देख सकते हैं 18 मिलीमीटर लेंस है, APS-C सेंसर है मेरे कैमरे का, और 1 फीट मैं दूर हूँ, तो यहाँ से यूजबल लाइट मिल रही है लगभग, लेकिन ज़्यादा दूर से बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो आपके पास अगर स्टॉक लेंस है, मेरे कैमरे का भी ये स्टॉक लेंस है जो कैमरे के साथ मिलता है 18-55 मिलीमीटर, तो अगर उस टाइप का लेंस है आपका, तो देख सकते हैं ये लाइट लगभग अनयूजबल है अगर आप बहुत नज़दीक से नहीं यूज़ कर रहे हैं इसे। हालांकि अगर प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वगैरह करें तो लगभग अनयूजबल ही है बिल्कुल, वहां तक लाइट नहीं पहुंचेगी। तो आइए इसे 50 मिलीमीटर लेंस के साथ देखते हैं किस तरह का इसका रिस्पांस रहता है, कितनी ब्राइटनेस उसमें वो यूज़ करता है इसकी। और राइट, तो अभी हमने 50 मिलीमीटर F1.8 लेंस पे माउंट कर दिया है कैमरे पे, और चूंकि इसका एपर्चर काफ़ी वाइड है F1.8, तो मैंने ISO घटा के 200 कर दिया है, और इस पर सही एक्सपोजर दे रहा है, और आप देख सकते हैं डायमेंशंस चेंज हो गए हैं इसकी वजह से। यही अंतर होता है वाइड एंगल और लॉन्ग
लॉन्ग लेंसेज का। तो अगेन अब मैं वो लाइट ऑफ करूंगा और ये लाइट रखूंगा। हालांकि इस लेंस से एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो है अम्ब्रेला लाइट, जो बड़ी वाली लाइट है 50 वाट की, उसे मैं कैमरे के आगे रख सकता हूँ और वो लेंस वो जो है फ्रेम में नहीं रहती लाइट और वाइड एंगल में समय नहीं कर पाता, पीछे रखना पड़ता है। तो ये वाली लाइट अब जहाँ मैं रखूँगा वो उस लाइट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी, ये भी लगभग उतनी ही दूर होगी। तो मेरे ख्याल से अंतर अब ज़्यादा दिखेगा क्योंकि अब प्लेसमेंट सेम है, पहले वो लाइट दूर थी, ये नज़दीक थी, तब भी ये बहुत डिम थी। अब देखते हैं। ओके, तो अभी मैंने ये रिंग लाइट यहाँ रख दी है, आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये कैमरे के चारों तरफ है और सॉरी लेंस के चारों तरफ है और ये उस बड़ी वाली लाइट से करीब 1 फीट नज़दीक है अभी। तो आइए इसे ऑन करते हैं, पहले बड़ी वाली लाइट मैं ऑफ करता हूँ। ओके, अब इसे ऑन करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट दे रहा है। अगेन बहुत यूजबल नहीं है, आप इतनी नज़दीक से यूज करना चाहते हैं अगर तो शायद यूजबल हो आपके लिए, लेकिन ठीक ठाक डिस्टेंस से बिल्कुल यूजबल नहीं है DSLR कैमरे के साथ, तो जैसा आपने देख लिया। और अभी मैं स्मार्टफोन के साथ से यूज करता हूँ। ओके, तो अभी मैंने फिर से वाइड एंगल लेंस और बड़ी वाली लाइट लगा दी है और अब मैं इसमें स्मार्टफोन माउंट ये फिट करता हूँ जो इसके साथ मिला था। और इसे बहुत ज़्यादा टाइट आप ना फिट करें क्योंकि ये निकलने में बहुत मुश्किल लेता है, हल्का ही मैं फिट करूँगा इसे। ये हो गया। ओके, तो दो बार रिकॉर्ड करूँगा मैं 1080p 30fps में, एक बार स्टॉक कैमरा से जो फ़ोन के साथ और एक बार ओपन कैमरा से जो कि ऐप है और इसमें आप मैनुअली सेटिंग सेट कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मल स्टॉक कैमरा में नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया सेट, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ओके, अब बड़ी लाइट ऑफ करता हूँ। आप देख सकते हैं स्मार्टफोन कैमरे से अभी भी ठीक ठाक वीडियो मैंने दिखने लायक वीडियो है, लेकिन नॉइस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसने बम्प अप कर दिया है ISO। और अभी मैं इस लाइट को ऑन करता हूँ, आपकी लाइट ऑन हो गई। किसी वजह से ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा ISO कम नहीं कर पा रहा है, स्टॉक कैमरा जो है इस वजह से ओवर एक्सपोज दिख रहा है सब कुछ, देख सकते हैं ओवर एक्सपोज काइंड ऑफ आ रही है जबकि कैमरे में देख रहे हैं आप अंडर एक्सपोज है। लेकिन बात यह भी है कि स्मार्टफोन का जो अपर्चर मेरे स्मार्टफोन कैमरे का Redmi Note 8 का वो 1.8 है, तो इस वजह से ज़्यादा लाइट भी कैच कर रहा है ये। ओके, तो अभी मैं ओपन कैमरा ऐप पे जो है रिकॉर्ड करूँगा ताकि मैं मैनुअल सेटिंग्स के साथ कर सकूँ। ओके, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है और आप शायद देख भी सकते हैं कॉर्नर में कैमरे के इंटरफेस के, या शायद रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद वो गायब हो गया होगा कि मैंने जो ISO सेट किया है वो 800 सेट किया है और शटर स्पीड 1/50 सेट किया है जो कि कैमरे के है, लेकिन चूंकि इसका अपर्चर ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है अभी। और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ओवर एक्सपोज भी शायद होगा इसका जो है कैमरे का आउटपुट। तो अभी मैं ISO 400 करता हूँ 800 से। ओके, तो ये ISO 400 पे है, आप देख सकते हैं किस तरह का आउटपुट है, शायद कुछ अंडर एक्सपोज है, तो 800 या 600 ISO ही सही है 150 शटर स्पीड पे स्मार्टफोन पे। और अगर आप स्टॉक कैमरा यूज कर रहे हैं, स्टॉक ऐप कैमरे का स्मार्टफोन पे, तो कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिक सेट करेगा जो भी चाहेगा, आप मैनुअल उसमें कर नहीं सकते। तो ये काइंड ऑफ यूजबल है स्मार्टफोन साथ। इसके अलावा मैंने सेल्फीज़ वगैरह लेके टेस्ट किया था इसे, सेल्फीज़ वगैरह जो है सॉफ्ट लाइट देता है तो ज़्यादा अच्छी सेल्फीज़ आती हैं, लेकिन सेल्फीज़ के लिए आप 1100 या 1300 रुपये नहीं खर्च करेंगे इस लाइट पे। और अगर वीडियोज़ आप कैमरे से बनाते हैं पास में बैठ के तो ठीक है, ये लाइट यूजबल है, लेकिन दूर आप अभी नहीं बना सकते, दूर आप बैठ के बनाएंगे तो अगेन ठीक से लाइट नहीं मिले, बहुत ही अंधेरा रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ तो बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी ब्राइटनेस नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपोज़र नहीं है। तो ये था स्मार्टफोन के साथ टेस्ट। ऑलराइट, तो लाइट के बॉक्स पे मेंशन था कि ये फिल लाइट है, तो अभी मैं इसे एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ कि फिल लाइट के रूप में कितनी यूजबल है। ओके, यहाँ इसे रख देता हूँ। तो ये जो बड़ी वाली लाइट है की लाइट है 50 वाट की, तो इसे मैंने प्लग इन कर दिया है पावर बैंक में और मैं इसे ऑन करता हूँ, देख सकते हैं। तो फिल लाइट के रूप में ठीक ठाक है, ये बहुत बुरी नहीं है, फिल लाइट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आइडियल तो नहीं फिल लाइट के रूप में, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और एक कलर टेम्परेचर, हाँ अब ज़्यादा मैच कर रहा है इस लाइट से, तो जब इसे ऑफ करता हूँ देख सकते हैं इधर अंधेरा हो गया फेस के, और अब देख सकते हैं फिर से इल्यूमिनेट हो गया। तो फिल लाइट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके पास रीजनेबली वेल की लाइट है तो। और फाइनल थॉट मेरा इस शाइलॉक रिंग लाइट के बारे में ये है कि
ये जितना यूजबल है, कुछ यूजबल तो है ये स्मार्टफोन के साथ, आप यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए अगर आप पास में बैठ के करते हैं, अगर दूर करते हैं नहीं कर सकते यूज। और फिल लाइट के रूप में भी रिजनेबली वेल ये काम करेगा ठीक ठाक, लेकिन इसके हिसाब से 1100 या 1300 रुपये खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मतलब इतना महंगा आप शायद आप कोई अफोर्ड कर सकता है, पर मैं अफोर्ड करने की बात नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है 1100 या 1300 रुपये केवल इस लाइट के लिए, जो केवल फिल लाइट के रूप में आप ठीक ठाक यूज कर सकते हैं या स्मार्टफोन्स के वीडियो पास में बना सकते हैं, वो भी बहुत हाई ISO पे, तो उसके लिए मुझे बहुत ठीक नहीं लगा। इसे मैं रिटर्न भी करूँगा इसलिए क्योंकि ये रॉन्ग लिस्टिंग थी, 18 इंच लाइट की जो साइज उन्होंने लिखी थी वेबसाइट पे लिस्टिंग पे अमेज़न पे, लेकिन ये लाइट जो है 10 इंच की है, बॉक्स पे भी 10 इंच लिखा है, छुपाने की कोशिश पैकेजिंग में भी नहीं की है, केवल रॉन्ग लिस्टिंग की हुई थी, तो इस वजह से मैं इसे रिटर्न करूँगा। ये जो यहाँ पे माउंट दिया हुआ है 1/4 इंच का माउंट इस स्टैंड पे, वो भी देख सकते हैं हिल रहा है, वॉबली है, पूरी तरह से फिक्स नहीं है, तो इस वजह से भी मैं इसे रिटर्न करूँगा। ये लाइट काफ़ी छोटी है, ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, कैमरे के साथ तो बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते DSLR कैमरे वगैरह से। हाँ, अगर आपके पास वाइड एंगल इस तरह की लेंस है जिसमें एपर्चर बहुत वाइड है, जैसे 18mm की भी लेंस यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें एपर्चर 1.4 है इस तरह से, तो आप शायद यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन उस वो लेंसेज इतनी महंगी आती हैं कि आप फिर उसके लिए ज़्यादा अच्छी लाइट्स खरीदेंगे, ये लाइट क्यों खरीदेंगे। ये स्टैंड भी बहुत काम का नहीं है, आप देख सकते हैं वॉबली है, अगर ये स्ट्रांग स्टैंड रहता तो आप कह सकते थे चलिए लाइट बांध खराब हो गई स्टैंड काम में आएगा, लेकिन वॉबली स्टैंड है, काफ़ी कमज़ोर भी है, फ्लिम्सी तो नहीं है लेकिन काफ़ी कमज़ोर है, सॉलिड नहीं है, ये जो पाइप्स लगी हुई हैं बहुत सॉलिड नहीं है, अगर एक बार गिर जाता शायद मुड़ जाएगी पाइप, अगर तेजी से गिरता है या किसी ऐसी चीज़ पे गिरता है जिस पे एजेस हैं तो ये मुड़ जाएगी। और इसमें 10 ब्राइटनेस लेवल हैं, लोअर ब्राइटनेस लेवल किसी काम के हैं नहीं, इतनी कम लाइट आप करेंगे क्या, लेकिन जो फुल ब्राइटनेस 10th लेवल पे है, 10 ब्राइटनेस लेवल्स हैं, 3 कलर टेम्परेचर्स हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा आपको ये बैग मिलता है इसके साथ में, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उन्होंने दे दिया, तो जैसा मैंने पहले बताया आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, लेकिन अगेन यूजबल होना चाहिए कोई चीज़। ये स्मार्टफोन माउंट आपको मिलता है, जो कि एक बार आप इसमें लगा देंगे, अगर टाइटली लगा देंगे तो बहुत मुश्किल है निकालना, आप अगर शुरू में ये लाइट लें और आपको आप फिक्स ना हो कि आप इसे रखना चाहते हैं या रिटर्न कर चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन माउंट बहुत टाइटली इसमें ना फिट करें, क्योंकि ये निकालने में टूट भी सकता है, फिर रिटर्न नहीं होगी लाइट, और धीरे से बस हल्का सा फिक्स कर दीजिए इसमें, उसके बाद निकाल लीजिए, तब भी मुश्किल से ही निकलेगा क्योंकि बहुत टाइट है। तो सब कुछ मतलब जैसा मैंने बताया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, काम चलाऊ ही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ हल्का ही है। तो ये था अगेन अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्ट इस लाइट का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर डिसलाइक करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्यों आपने डिसलाइक किया। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।